तो दोस्तों 2024 भी आ गया है और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कोई आसान सा चैनल आइडिया मिल जाए जिसमें कि आपको ना ही अपना चेहरा दिखाना हो और ना ही अपनी आवाज देनी हो और बहुत ही आसानी से आपका कंटेंट भी क्रिएट हो जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही चैनल आइडिया लेकर के आई हूँ जिसमें आपको ना ही अपना चेहरा दिखाना है, ना ही अपनी आवाज देनी है और जो कंटेंट है वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये चैनल देख लीजिए, चैनल का नाम है एनिमल प्लैनेट 2.00। ठीक है, इस चैनल पर देखिए यहाँ पर 95 वीडियो सिर्फ अपलोड हुई है और इनके चैनल पर 15.3 लाख सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 95 वीडियोस में इतने सारे सब्सक्राइबर्स इन्होंने यहां पर कंप्लीट कर लिए और कंटेंट देख सकते हैं आप किस तरीके का कंटेंट है यहां पर। यहां पर आप देख लीजिए, ये पॉपुलर वीडियोस में मैं आपको दिखा देती हूं। तो देखिए यहां पर पॉपुलर वीडियोस में इनके 4 करोड़ व्यूज आए हैं पहली वीडियो पर, फिर 2.6 करोड़ व्यूज, 2.2 करोड़ व्यूज, 1.7 करोड़ व्यूज। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो पॉपुलर वीडियोज है इनमें यहां पर करोड़ों में व्यूज आ रखे हैं और लेटेस्ट वीडियोस में भी यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज आप देख सकते हैं, 73K व्यूज, इस तरीके से यहाँ पर व्यूज इनके आए हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो भी प्ले करके दिखा देती हूँ। कंटेंट बनाना भी बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इनकी एक वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके का कंटेंट यहाँ पर बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी वीडियो, यहाँ पर सिर्फ इमेजेस को यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है, साथ में इमेजेस को यूज किया गया है, बाकी आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं है, सिर्फ एडिटिंग में थोड़ा सा एफर्ट्स डाले गए हैं। तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि आपको इमेजेस कहाँ से मिलेंगी और इस तरीके से आपको एडिटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इमेजेस के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर पहले तो बैक चली जाती हूँ। यहाँ पर आपको इमेजेस के लिए एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आप जब प्ले स्टोर में सर्च करेंगे इमेज सर्च मैन, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो एप्लीकेशन है, इस तरीके का यहाँ पर लोगो बना हुआ है, यही वाली आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूंगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, वहां पर आपने देखा था कि यहाँ पर कैट की इमेजेस यूज की गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है क्यूट कैट इमेजेस। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्च करना है। आप यहाँ पर कैट की इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर अगर आपको डॉग की सर्च करनी है, अगर आप डॉग्स वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्यूट डॉग इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं, या फिर मतलब किसी भी एनिमल की आप यहाँ पर इमेज सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सर्च किया क्यूट कैट इमेजेस, कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर इमेजेस आ गई हैं, कितनी क्यूट क्यूट सी हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी अच्छी लगती है आपको उस पर सीधा क्लिक करना है, जैसे मुझे ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, आपको यहाँ पर ये एक एरो मिल जाएगा डाउन एरो, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिंपली देखिए डाउनलोड हो गई, बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। और इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो सबको ही देखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब की बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़े लोगों को भी इस तरीके का कंटेंट देखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो इमेजेस तो आपको देखिए यहाँ से मिल जाएंगी, अब बात करते हैं कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है। तो आपको यहाँ से इमेजेस पहले डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में आपको सीधा जाना है यहाँ पर काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर देखिए हमें शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो इसलिए हम यहाँ से सबसे पहले तो रेशियो जो है उसको 9:16 को सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने जो भी इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड की होगी उनको आपको यहाँ पर गैलरी से ले लेना है। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने जो भी इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड की थी उन सबको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से आपको सारी इमेजेस ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इमेजेस ले लेने के बाद में आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर इमेजेस आ गई है, लेकिन ये देखिए फुल स्क्रीन पे नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पैन एंड जूम ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको पकड़ के जूम कर देना है जिससे कि ये यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आएगा। अब देखिए यहाँ पर जूम करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर इक्वल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर बैक चले जाना है। फिर से आपको इमेज पे क्लिक करना है और फिर से पैन एंड जूम पे जाना है और इस इमेज को आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे करके जूम करना है। तो आप देखेंगे ना बाद में इसमें थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, मैं आपको अभी प्ले करके दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह से आपको सारी इमेजेस में इस तरह से जूम कर लेना है इनको। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर जूम कर देंगे इस तरीके से। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट इसमें डालने ऐसे करके आपको क्या करना है, जूम करना है जिससे कि इसमें थोड़ा सा ना इफेक्ट टाइप के पड़ जाए। और देखिए आपको यहाँ पर इमेजेस को थोड़ा कम देर के लिए रखना है, मतलब की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे इस इमेज को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे जल्दी जल्दी इमेजेस आएंगी तो ये वीडियो देखने में बोरिंग नहीं लगेगी। इसको भी हम यहाँ पर इसके ड्यूरेशन को भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो पैन एंड जूम वाला इफेक्ट है ये सारी इमेजेस में आप यहाँ पर कर लीजिएगा। जितनी भी इमेजेस आपने यहाँ पर यूज की होगी सब में आपको इस तरीके से जो है पैन एंड जूम वाला इफेक्ट आपको यहाँ पर डाल देना है जिससे वीडियो देखने में हमारी और ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो अपनी वीडियो है उसको 15-20 सेकंड का ही बनाना है, मतलब ज्यादा बड़ी वीडियो आपको यहाँ पर नहीं बनानी है। अब आपको यहाँ पर जो है बीच बीच में जो ये प्लस वाला साइन बना है वहां पर आपको ट्रांजिशन ऐड करने, तो इस पर आप क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पर फन ट्रांजिशन वाला यूज करेंगे, ये काफी अच्छा लगता है। ये वाला मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, इसके ड्यूरेशन को यहाँ पर 0.5 सेकंड इतना तक कर देंगे। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आपको सब में ट्रांजिशंस इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेने, अलग अलग ट्रांजिशंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये वाला ट्रांजिशन भी काफी अच्छा लगता है, ये पिक्चर एंड पिक्चर वाला, ये जो कलर टाइल्स वाला है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके ड्यूरेशन को भी हम यहाँ पर 0.5 सेकंड इस तरीके से कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कितना ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला ट्रांजिशन देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको जो है सब में इस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशंस ऐड करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्रांजिशंस ऐड कर ली, मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है हमारी वीडियो, है ना। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी इसमें आपको म्यूजिक भी ऐड करना है, तो आप चाहे तो यहाँ से ही म्यूजिक यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपको जो है एनसीएस का म्यूजिक आपको यूज कर लेना है। आप यहाँ पर यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे एनसीएस करके, तो आपको ना एक चैनल यहाँ पर दिख जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो म्यूजिक ले सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे कॉपीराइट फ्री वाले जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक म्यूजिक पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, एनसीएस का मैंने एक म्यूजिक डाउनलोड करके रखा है, ये क्रॉकपॉट वाला, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसकी वॉल्यूम को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे, 5-6% तक का कर देंगे, क्योंकि अभी हमें ये वाले म्यूजिक के अलावा एक और म्यूजिक यूज करना है। मैं आपको बताती हूँ, आपको इसको अपलोड जब करना है ना, मतलब कि अपनी जो शॉर्ट वीडियो आपने यहाँ पर बनाई है इसको जब आपको अपलोड करना है, तब आपको वहां पर जो ट्रेंडिंग म्यूजिक होते हैं उसको आपको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पहले हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करने के बाद में हम सीधा चलते हैं यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन पर। अब यहाँ पर देखिए YouTube एप्लीकेशन में आपको सीधा प्लस के साइन पर क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर जो वीडियो हमने बनाई है उसको हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो वीडियो है ये 12 सेकंड की बनी है, आपको बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनानी है, 15-20 सेकंड की वीडियो आपको यहाँ पर बना के रखनी है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर डन कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग म्यूजिक को यूज करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर एड साउंड वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर यूट्यूब के जो शॉर्ट्स के साउंड होंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे वो वाला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप साउंड्स आपको मिल जाते हैं, यही वाले जो साउंड्स हैं वही वाले आपको यूज करने हैं, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहे होंगे तो आपकी जो वीडियो होगी ना उसके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसमें से आप कोई भी साउंड यूज कर सकते हैं, जैसे मैं ये वाला एक यूज कर रही हूँ, ठीक है, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सीधा आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है साउंड यूज करना है। अब आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर जाकर के यहाँ से एक थंबनेल आपको चूज कर लेनी है, मतलब जो भी इमेज आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छी है वो वाली आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मैं यही पहली वाली जो है वो मुझे अच्छी लग रही है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, डन कर देंगे। तो यही वाली इमेज यहाँ पर थंबनेल पर रहेगी, ठीक है। तो आपकी मतलब जो भी वीडियो होगी उसमें जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लग रही होगी वो वाली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिंपल सा टाइटल डाल देना, ठीक है, और यहाँ पर हैशटैग शॉर्ट्स वगैरह लगा करके आप यहाँ पर अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। तो देखिए कितनी कम यहाँ पर मेहनत लगी, ना ही आपको यहाँ पर अपना फेस दिखाने की जरूरत थी, ना ही आपको अपनी वॉइस यूज करनी है, और कंटेंट भी कितनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर बन गया। और ये 2024 में ट्रेंडिंग भी है और कॉम्पिटिशन भी इसमें कम है, तो आप इस तरीके का चैनल बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो देखिए पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। सो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।